बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी एच बी न्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं। रंगपुर की बस्ती टोबा माचिया में मुखालिफीन ने गरीब मेहनतकश असगर अली के घरेलू सामान को चुरा लिया और कमरों की छतें तक उखेड़ कर घर ले गए। असगर अली ने बताया कि अब उसके घर का सामान भी नहीं और कमरों की छतें नहीं हैं, वो मजबूरन बच्चों के हमरा खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, पुलिस मेरी इमदाद करे। मेरे बाल ने बरसात अमदा पे पुसदे पे उन्होंने कुछ छा ही ना इथान कौन बासे असा कोई अब एक का दलील की पे है एक दूसरे ले दा इंतकाल भी ना देने पे हर पासे लड़ते हैं दुकान में कुछ बनाते दुनिया वाली हूँ उठा कब्जा की पे है कपड़े का दुकान भी मेरा है बोला सिपरे का दुकान भी मेरा है हूँ मैं बाहर वो दुकान है तेन जुलम। असगर अली ने बताया कि मुखालिफीन ने चोरी कर ली है, मैंने पुलिस को दरख्वास्त दी है जिन्होंने कट का कहा है, मगर मेरे मुखालिफीन बा असर हैं, मेरा मसला हल कराया जाए। एक प्लेट हमारा बच्चे एक प्लेट बचाए नहीं चोरे को पकड़ो। असगर अली के कमरों की हालत आप देख सकते हैं। ये था सही मैं सिंध गुम बोला ये सारे मेरे दू छत पट गिन देरे दई पट गिन नलका ही पट गिन जेड़ा खटन सामान हन सारा चागिन रूटा चागिन दू प्लेटा चागिन वाला या माछी इन कुछ काहल लोग हैं ए वाला पुलिस डेई गयम उन्हें आख्या कट करो हूँ कट नहीं करो कुरान शरीफ नाल सारा पटन ए हूँ मेरा खड़ा है उस भी गया शहीद भी थी गया तो दिखावा था ए साल मेरे दू बकरिया चागे दिन हूँ निकले कनू स्कूटर छिंदे पे हैं सरे आम आखे कागज दे ये पुलिस है ना क्या कागज ने को दे वहाँ एक हजूरन वाले पुत्र जाहिद वाले करे दे पेन। मुतासरा शख्स असगर अली ने डीपीओ रहीम यार खान से तवज्जो करने का मतालबा करते हुए कहा है कि मेरे ऊपर तवज्जो करके मुखालिफीन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए।